तो चैप्टर फर्स्ट के बाद में सेकंड नंबर अपने पास आ गया कि ऑडिटर ऑडिट का एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में ऑडिट का स्ट्रेटेजी सेट करेगा, देन प्लानिंग और देन प्रोग्रामिंग। इनमें से सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रेटेजी है ना। अपने कहा था वैसे तो कुछ भी पहले हो सकता है, बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है सब जगह पे, पर अपने बुक में जो अपने सीक्वेंस पढ़ी है उसके हिसाब से पहले स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद में प्लानिंग, फिर उसके बाद में ऑडिट की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, दी ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने को आपको बोला। अब ये जो लाइन्स आप देख रहे हो यहां से यहां तक की, ये लाइन्स स्टडी मैट में एज इट इज देके रखी है। यूं क्यों? तो कई जगह पे आपने देखा होगा, अपन ने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया कि स्टडी मैट की एज इट इज लाइन्स वहां पे आएंगी और आपको बोलेंगे एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन में करना क्या होता है वहां पे? बस उसी के साथ का जो मैटर है वो कई बार अपने को एज इट इज लिखना पड़ता है ना। तो बेसिकली इसमें इन्होंने पूछा क्या है कि भाई अगर आप प्लानिंग करते हैं, अच्छी बात है, इफेक्टिव मैनर में ऑडिट को करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, और प्लानिंग करने के लिए बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, तो देखें, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस एज इट इज, अपन ने क्वेश्चन की लाइन डाली है। प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी? नंबर वन, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। जब भी आप प्लान करोगे तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बराबर, क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस नॉलेज में क्या क्या हो, उसका FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड नंबर पे पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल का प्रोसीजर। एक बहुत बेसिक पॉइंट है, जब भी कहीं किसी एंटिटी की ऑडिट करने के लिए जाओगे आप उसकी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करोगे, साथ में उनके ICS को अंडरस्टैंड करोगे, तो इनको अंडरस्टैंड करने के साथ ही होती है आपकी प्लानिंग। बराबर, फिर आया एस्टेब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस ऑन इंटरनल कंट्रोल। ICS पे कितना करना है भरोसा? आप सब जानते हो हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारे प्रोसीजर डिपेंड करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस तरीके से हमारा बन रहा है। बराबर, सिंपल सी बात है। नंबर नेक्स्ट देखो, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। अब जब ICS को आप देख चुके हो तो उसके बाद अगला काम, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर जो बनाओगे उनका नेचर क्या होगा, उनके टाइमिंग्स क्या रहेंगे और कितना एरिया आप उसके अंदर कवर करोगे, ये सब इसमें लिखा गया। और कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, जो भी आप काम करोगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहेगा, ये इसमें अपने को लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, बहुत सिंपल चीज है, कई बार ऐसा हुआ कि सर ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इसका कनेक्शन इस मैटर से तो कहीं लग ही नहीं रहा है। क्या कहते हो, ये क्वेश्चन क्या है? द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट और टाइमली मैनर। ठीक है, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ये लाइन इन्होंने लिख दी और आपको एक्सप्लेन करने को बोल दिया। उससे इसका डायरेक्टली वैसे तो कोई लिंक बैठ नहीं रहा है, या मन से कोई सोचे कि यार मैं तो पढ़ के नहीं गया हूं, मैं अपने मन से इसका आंसर लिखूंगा, तो मेरे ख्याल से आंसर ड्राफ्ट करना आपके लिए पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या समझाओगे? यस, प्लानिंग इज मस्ट, है ना। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, डायलॉग लिख दोगे ऐसे कुछ जो मैंने बोला अभी, इफ यू फेल टू प्लान एक्चुअली यू प्लान टू फेल। ठीक है, फिर इस तरह से आप समझा दोगे ऑडिटर हैव टू प्लान एंड प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी, ये वो फालतू की रामायण लिख दोगे, नंबर मिलेगा अपने को जीरो, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्टडी मैट की लाइंस डाली और आपको बोला इसको समझाओ। अब समझाना क्या था, बस वहां जो आपको दे रखा था एक्चुअली इन लाइंस का मतलब ये था कि जब भी आप ऑडिट प्लानिंग करते हो किन किन चीजों को आप कंसीडर करने वाले हो या प्लानिंग में इंक्लूड करने वाले हो, ये इन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें आपसे पूछ ली। तो सबसे पहले नंबर पे अंदर घुसते ही अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का हम नॉलेज लेंगे। सेकेंड नंबर पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कितना हम भरोसा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट
प्रोसीजर्स, ठीक है, और चौथे नंबर पे जो भी काम हम करेंगे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हमारा सेट होगा, ये सब कुछ आपको प्लानिंग के अंदर डिसाइड करना होता है, ये उस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, 3 से 4 नंबर के आसपास का क्वेश्चन बन सकता है, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना मई 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखें आप लोग, मतलब ये जो सेकंड वाला देख रहे हो ये मई 19 में आ चुका है, इसी से मैच करता है, क्वेश्चन ऊपर भी है। द ऑडिटर शेल एस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डिस्कस स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट वुड असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन की मैटर्स। इस पैराग्राफ में पूछा क्या है, मतलब बोला क्या है कि हम ऑडिट स्ट्रेटजी पहले बनाते हैं, वो एक तरह का डायरेक्शन होता है ऑडिट प्लानिंग के लिए, ये चीज आपसे पूछी है। तो क्या क्या चीजें स्ट्रेटजी में है, या जो यहां पूछा गया, डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर इन मार्शलिंग हिज ह्यूमन रिसोर्सेस। अब सर ये क्या है, डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे। ठीक है, असिस्ट द ऑडिटर, जो ऑडिटर को हेल्प करेगी कायम है, मार्शलिंग हिज ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूज करके किस तरीके से काम में लेना है, ये चीज इन्होंने यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछ ली। अभी जो लाइंस मैंने बोली ये भी स्टडीमेंट में है, बराबर, जिधर ये क्वेश्चन अपन करी इसलिए रहे ताकि आपका स्टडी मैट का पोर्शन भी कवर हो जाए। अगर आप, मैंने ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि मैंने स्टडी मैट के रिवीजन वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, है ना, जहां मैंने स्टडी मैट से समझाया है, उनमें ये सब टॉपिक कवर किए हमने, है ना, जो जनरल टॉपिक्स अपन ने नहीं पढ़ते अपन नोट्स के अंदर, वो सारे जो स्टडी मैट से डायरेक्ट पढ़ाया मैंने, तो उसमें स्टडी मैट का जो इस चैप्टर का सेकंड पेज है उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स देके रखे। सपन ने थोड़ा सा ये कर दिया कि इनको पॉइंट्स में डाल दिया है, उन्होंने वहां डायरेक्ट पैराग्राफ लिखे हुए हैं, मैंने उन पैराग्राफ में से कुछ कीवर्ड निकाल करके आगे पॉइंट्स बना दिए ताकि अपने को याद करने में इजी हो जाए। तो अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं, देखना, द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और चार चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। अब पहला पॉइंट मैं चाह रहा हूं आप लोग खुद पढ़ो एक बार और मुझे समझाओ कि है क्या, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, पढ़िए, एक्सपर्ट की मदद लेंगे, समझना, हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ऑडिट की स्ट्रेटजी। ठीक है, बाहुबली पिक्चर में जैसे स्ट्रेटजी बनाई थी, कटप्पा जो है वो पीछे रहेगा, वो ऐसे ऐसे बना करके, ठीक है, एक एरिया के अंदर वो अपना कौन था, भल्लाल देव जाएगा, एक तरफ बाहुबली जाएगा, बराबर, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। अच्छा, भल्लाल देव के पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उसको दे दिए, तो ये भाई वो पर्दे उठा के लिए आया, वो देखा नहीं था, लाल कलर के पर्दे सारे आग लगा लगा के फेंके थे, तो दिस इज कॉल स्ट्रेटजी। अच्छा, उससे पहले आपने अगर देखा हो तो वो कौन थी माता इनकी, नाम भूल गया मैं, शिवगामी देवी, है ना, तो शिवगामी के साथ में जब ये बैठे होते हैं तो वो पूरा एक वो एरिया बनाया हुआ होता है ना, और उसमें वो स्ट्रेटजी डिसाइड कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से हम ये करेंगे, दिस इज कॉल स्ट्रेटजी। तो ऑडिट करते हुए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी, कौन सी टीम को किधर लगाना है, वही हमने किया। पढ़ना देखो, द रिसोर्सेस ऑफ डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, मतलब क्या, हमारे पास जो, अच्छा ऊपर अपन ने वैसे ही क्वेश्चन में बोल दिया ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास में जो है, हमारी जो टीम है एंगेजमेंट टीम, कहां किसको लगाना है, स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज द यूज ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर फॉर हाई रिस्क एरियाज और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट इन कॉम्प्लेक्स मैटर। ये भी हमारी टीम है, अब उस टीम में हमारे पास सब तरह के लोग हैं,
कुछ जो सीनियर है जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, काफी ऑडिट्स वो कर चुके हैं, कुछ अभी नए नए आर्टिकल्स आए होंगे, है ना, या बाहर के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स मैटर है वहां पे एक्सपर्ट की मदद ले ली जाए, जो हाई रिस्क वाले एरियाज हो सकते हैं वहां एक्सपीरियंस लोगों को लगा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग भी जब ऑडिटिंग के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग यही होगा, सबसे पहले आपको ऑडिट के लिए जहां पे जाओगे ना, नया नया जैसे ग्रुप पास किया और चले गए तो आपको काम देंगे जैसे वाउचिंग का, ये सबसे पहले बैठ के करो वाउचिंग कर लो बस, ये बिल्स पड़े हुए हैं, ये एंट्रीज पड़ी हुई है, इनको इनसे मैच करके चालू करो, क्योंकि वो आपका एरिया उनकी स्टडीज के हिसाब से ठीक है। वो करने के बाद जो सीनियर आपका आर्टिकल होगा वो आपको अकाउंट्स बताएगा कि भाई इस तरह से अकाउंट्स मैच करते हैं, इस तरीके से हम पे रिपोर्टिंग, और फिर आप जानते हो ऑडिट रिपोर्ट बनाने का काम तो ऑडिट करने वाला है, ठीक है। तो एरिया वाइज काम आपको बांटना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय करना मतलब लगाना रिसोर्सेस को। तो जो हाई रिस्क एरियाज हैं, सीनियर जो भी हैं एक्सपीरियंस लोगों को लगा दो, कॉम्प्लेक्स मैटर अगर लगते हैं वहाँ पे एक्सपर्ट्स को लगाना, पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड नंबर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको भी पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट मटीरियल लोकेशन, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन अ केस ऑफ ग्रुप ऑडिट और द ऑडिट बजट इन आर्ट्स टू एलोकेट हाई रिस्क एरियाज। अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या मतलब समझ में आया, तीन चार चीजें लिखी हुई यहां पे क्या किया, पर कुछ अलग तरीके से। अब या तो नंबर ऑफ पीपल, भाई 10 जने हैं, कुछ लोगों को मटेरियल पे लगा दिया कि भाई यहां काम ज्यादा है, यहां पे ज्यादा लोग चाहिएंगे, इनको मटेरियल कैलकुलेशन एरिया में लगाओ, या आर्स में काम आपने बांट दिया कि इस चीज में इतने 60 घंटे में ऑडिट अगर होती है हमारी या 100 घंटे में ऑडिट होती है तो कम से कम 40 घंटा हमको इस एरिया को देना पड़ेगा, 10-10 घंटे अपने को दूसरे एरिया को देने पड़ेंगे, इस तरीके से आपको एलोकेशन करना है। या एक्सटेंड ऑफ रिव्यू द अदर ऑडिटर्स वर्क, सर ये अदर ऑडिटर कौन है, इसके वर्क को हम रिव्यू करें, अपना इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, समझ में आया है ना। तो आपने अगर पढ़ा है तो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, फिर वो हमको देखना है कि हम कितना भरोसा करें नहीं करें उसके काम पे, फिर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है ना, तो वो देखना कि कितना उसके काम को अपन यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, कहाँ किसको लगाना है, सेकेंड नंबर कितना लगाएं, कितना लगाएं, या तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से हो गया या आर्स के हिसाब से हो गया हमारा, ठीक है, या ये जो भी अपन ने पढ़ा दूसरे ऑडिटर के काम का रिव्यू कर लिया उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि हाँ इतना कमी काम है तो कम आर्स लगाया अपन ने, ठीक है। टाइम फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड सच एज वेदर एन इंटरिम ऑडिट स्टेज और की कट ऑफ डेट्स, ये क्या लिखा हुआ भाई, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसमें इन्होंने क्या समझाया है, अब सुनना, नॉर्मली अपन ऑडिटिंग जब करते हैं एक तो कंटिन्यूस ऑडिट होती है वो साल भर चलती है, एक होती है इंटरिम ऑडिट बीच में, उस वक्त चाहिएगा कट ऑफ डेट का मतलब 31 मार्च, समझ रहे हो, कट ऑफ पीरियड या कट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का यूज बहुत है ऑडिट के अंदर, हम जब भी ऑडिट करने जाएंगे तो हम 31 मार्च हमारी कट ऑफ डेट होती है आप जानते हो, है ना, उस डेट तक के आउटस्टैंडिंग एक्रूड, ध्यान में आया, अनर्ड प्रीपेड, वही तो चेक करते हैं अपन, है ना, तो वो कट ऑफ डेट्स के ऊपर अपने को अपनी टीम चाहिएगी। बेसिकली भी ऑडिट करने के लिए जाओगे तो क्या होगा, वो कहां तक के चेक करेगी, 31 मार्च वो चेक करेगी कि 31 मार्च तक का एक्सपेंडिचर अगर हो गया है, ड्यू हो गया है तो एंट्री हो जाए, अपने सारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है मैक्सिमम, तो आपको पता ही है, हम देखेंगे 31 मार्च तक अगर कोई खर्चा ड्यू हो गया है, नहीं पे हुआ है तो उसकी भी एंट्री आए, तो कट ऑफ डेट्स के ऊपर, और इंटरिम ऑडिट अगर कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द ऑडिट अपने को अपने इनको एम्प्लॉयमेंट करने की अपने को जरूरत पड़ेगी कि किस वक्त में अपने को अपनी टीम लगानी है, ये वो वक्त बता रहे हैं आपको कि कब आपको टीम लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका भी एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने दिया, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज सच एज वेन टीम ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड। ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग मतलब
हम अपनी टीम को इकट्ठा करके उनको चीजें समझाएंगे, तो डी ब्रीफिंग में वो वापस हमको बताएंगे। स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी तो हमने बता दी, फिर वो आकर के भी तो हमको वापस बताएंगे कि भाई ये चीजें हुई है ना। आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजर्स रिव्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट जहां पे काम कर रहे हैं, ऑफ साइट का मतलब ऑफिस में बैठ के आप बात कर रहे हो, है ना। एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अल्टीमेटली अपना पर्पस तो ये है ना कि क्वालिटी अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उन सबके लिए चीजें जरूरी है। तो रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, तो मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट आपको बताए। सबसे पहले आप कीवर्ड्स क्या चाहेंगे, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग मीटिंग्स मस्ट बी हेल्ड, होनी चाहिए। हम समझाएंगे मीटिंग लेकर के, वो वापस से अपना ब्रीफ देंगे, ठीक है। हाउ एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, रिव्यूज साथ में क्वालिटी कंट्रोल के रिव्यूज होते हैं। अगर आपने ऐसे 220 को पढ़ा हो तो एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है जो ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट देने से पहले आपके काम को रिव्यू कर लेता है, रिव्यू करने के बाद अपनी रिपोर्टिंग करता है, फिर हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं ताकि हमारी क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रांग रहे। वो काम अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चार पॉइंट इन्होंने बनाए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, इसमें क्या करना है याद करो मुझे, इसमें क्या करना है, हाँ इसमें कहाँ किसको लगाना है, कहाँ किसको लगाना है, यही हुआ कि भाई कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट को लगा दो, हाई रिस्क वाले हैं तो एक्सपीरियंस को लगा दो, कम रिस्क वाले हैं तो नॉर्मल लोगों को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर एलोकेशन, कितने लगाने, कितने टाइम के लिए लगाने, किसको लगाना, कितना लगाना, आर्स के हिसाब से लगाएं, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से लगाएं, कैसे करें, ठीक है। तीसरा नंबर टाइमिंग, वेदर इंटरिम या कट ऑफ डेट्स, दो चीज़ें हो गई। फाइनल मैनेज कैसे करना, मीटिंग्स हेल्ड करना, ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग वाली, फिर रिव्यू करना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना, ये सब इसके अंदर आपके कवर रहेंगे। ये अपना क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन सारे धांसू हैं, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा थे लेकिन ईजी थे, यहाँ लिख सकते हैं यूँ भी लिख पा रहे थे, लेकिन इसके तो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके बिना अपन कर नहीं पाएंगे। वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया और अपन कुछ भी लिख दें तो नहीं चलेगा वहाँ पे। ये अपने को सेकंड क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। हाँ अब ऊपर वाले में एक्चुअली में चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएगी। यूं तो प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने को देके रखी हैं, कितने लिखेंगे अपन, तो दो पेज अपने भर जाएंगे पूरे के पूरे। तो इस वजह से क्वेश्चन ही अपना तीन चार नंबर का है, तो तीन चार नंबर के ऊपर उतना मैटर जो है फर्स्ट वाले के अंदर काफ़ी है क्योंकि प्लानिंग से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और खास करके इन्होंने क्वेश्चन में अपने से पूछ लिया, डिस्कस स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी या फिर ये मार्शलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस वजह से अपना आंसर जो है वो ऊपर वाले से यहाँ अलग हो गया क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की मार्शलिंग के बारे में पूछा है, तो अपन ने वही बताया। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हमारी जो एंगेजमेंट टीम है उसको कैसे यूज करना है, उतना अपने से पूछा है, तो उतना ही अपन ने यहाँ पे लिखा है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन आया, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन। क्या लगता है, क्या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट अपने को चेंज करनी चाहिए कभी कभी स्ट्रेटजी, अगर नीड हो, सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हैं चेंज। देखो, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द स्ट्रेटजी एंड द प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्वेश्चन की लाइन्स आ गई। तो एक चीज तो क्लियर करो कि क्वेश्चन की दो लाइन्स तो आंसर को चालू उधर से करना है हमेशा, एक ट्रिक पता लग रही है अपने को कि वो हमेशा कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अब रीजंस, पहला रीजन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए जो हमने सोचा नहीं था, जो रूटीन के अंदर हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं था। मार्केट में अचानक से डिप्रेशन आ गया, बराबर, कोई बड़ा केस हमारे अगेंस्ट में डिसाइड हो गया, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन कंडीशंस इसी के अंदर कवर है, जो हमारी एंगेजमेंट की टर्म्स थी उसमें चेंज हुआ। और द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑडिट प्रोसीजर, या जो एविडेंसेस हमको मिले हैं अब तक उसके बेस पर क्या लिखा है आगे,
The auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan, and thereby the resulting plan, nature, timing, and extent of further audit procedure based on the revised consideration of assessed risk. Paragraph as it is, likho, copy maro, zaruri nahi hai. In some situations, auditor have to modify his overall audit strategy as well as overall planning. दोनों साथ ही चलेंगे, ठीक है. These situations may be as follows. Number one पे अपन ने दे दिया, unexpected event. Second number, change in conditions. Third पे, some audit evidences obtained. ठीक है. तो on the basis of this situation, auditor have to modify his audit procedure. Yeah, auditor have to modify time, extent and nature of further audit procedures. आगे के audit, अभी तक के तो हो गए. Further audit procedure को आपको modify करना पड़ेगा. आप language change करो ना. जबरदस्ती थोड़ी है कि अपन इतना बड़ा paragraph ने as it is लिखेंगे. अपन modify कर सकते हैं. Keywords अपने को सारे डालने डालने है ना. This may be the case when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor plan the audit procedure. क्या मतलब हुआ? जब हमने प्रोसीजर बनाए थे तब जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे अब जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो फिर अपने को चेंज करना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल. सब्सटेंटिव में नॉर्मली अपन क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल. तो इफ देर इज एनी डिफरेंस in evidences obtained from different procedure, different evidences from substantive or test of detail as well as test of control, so auditor have to modify his audit strategy and audit planning. Example देके बता देना, ठीक है. और कोई मान लो अलग से example देना हो तो यूं भी आप कर सकते हो. Suppose करो अपना वो example एक ले लो debtor का. कोई और example लगाना हो आपको इच्छा हो जाए, debtor का example ले लो, है ना. हाँ, डेटर का जो बुक्स के अंदर शो हो रहा है या जो एंटिटी ने आपको बताया, एंड फ्रॉम थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, अलग अलग है, तो इट मीन्स ऑडिटर हैव टू चेंज हिज ऑडिट प्रोसीजर्स. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपको चेंज करने पड़ेंगे. अगर लगता है मटेरियल डिफरेंस दिख रहा है तो फिर आपको चेंजेस करने चाहिए. ऐसा एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन ही अपना बन सकता है. ये आसान क्वेश्चन में से ज़्यादा, इसमें डिफिकल्टनेस नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे अपन पहुंचे. The auditor shall document the overall audit strategy, planning and significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons of such changes. Explain करने को इन्होंने आपको बोला. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन में, कहना क्या चाह रहा है? डॉक्यूमेंटेशन करना है. ऐसे 230 है मेरे ख्याल से इसका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना. तो जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ, जो भी प्लानिंग बनाओ, सबको ऑडिटर को नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए. इस चीज़ को इन्होंने आपको एक्सप्लेन करने को बोला है. देखें सर, इतना बड़ा आंसर. हाँ सर, ऐसे का रेफरेंस नहीं दिया, देना चाहिए अपने को. इन्होंने भले नहीं दिया इस वजह से ताकि उसके अगेंस्ट में कोई नहीं आए किसी तरह का, ऐसा कुछ. देखो पढ़ते हैं मैटर में लिखा है, द ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट. बहुत आसान था ये आपके नोट्स में भी देके रखा है. क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और उसमें होने वाले चेंजेस और उसके रीजंस. ये तो क्वेश्चन में भी देके रखा था, यही तो क्वेश्चन ही तो लिखा है वापस. ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है. द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज अ रिकॉर्ड of key decision considered necessary to properly plan the audit and communicate significant matters to the engagement team. अब यहां आपसे हमने पूछा, ये इतना जो मैटर देख रहे हो ना, मेरे ख्याल से यहां तक का ये होना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजी है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हो. ये आप देखना, दोनों पैराग्राफ सिर्फ स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड ही है. उसके बाद वाला जो मुझे दिख रहा है वो प्लान से कनेक्टेड दिख रहा है, देख रहे हो, है ना. और उसके बाद वाला जो दिख रहा है
वो प्रोग्राम से कनेक्टेड दिख रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ बनाया होगा इन्होंने मैटर, भी पढ़ता है अपन, ये दो लाइन सी है यहाँ पे, ये इतनी। फिर आगे इन्होंने अगला जो बनाया ये इतना, ये चेंजेस के लिए बनाया, देखो अभी पढ़ लेते हैं, ये प्लान के लिए होना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग के लिए, ये इनके अंदर मॉडिफिकेशन के लिए, अलग अलग पैरा बना दिए, अपन को याद करने में ईजी होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्ट्रेटजी को रिटर्न में क्यों लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना है, पढ़ते हैं। हमने कहा द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज ए रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसका रिटर्न में लिखना, वही रिटर्न जरूरी हो गया, स्ट्रेटजी का रिकॉर्ड हो गया। कंसिडर नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर टू द एंगेजमेंट टीम। अब बहुत सीधी सी बात है, जब अपन ने चैप्टर चालू किया वहीं पे आप लोग इस चीज को पढ़ चुके हो कि ऑडिट प्लानिंग क्यों करते हैं, सॉरी स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं, या स्ट्रेटजी है क्या, इट इज अ गाइड और डायरेक्शन फॉर ऑडिट प्लानिंग, बराबर यही था, पहले स्ट्रेटजी फिर प्लानिंग यही पढ़ा अपन ने। तो स्ट्रेटजी क्या है, प्रोवाइड गाइडेंस, प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्लानिंग, ठीक है। तो यही चीज हम यहां पे कह रहे हैं कि रिटर्न में लिखने से क्या होगा, प्रॉपर डायरेक्शन होगा टू द एंगेजमेंट टीम, बिकॉज दीज आर दी की डिसीजंस टेकन बाय द ऑडिटर, ठीक है। और उसी के थ्रू आप एंगेजमेंट टीम को क्या कर सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे अपने को काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द ऑडिटर मे समराइज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इन द फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम दैट कंटेन्स की डिसीजन रिगार्डिंग द ओवरऑल स्कोप टाइमिंग एंड कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। वो क्या कर सकता है, मेमोरेंडम फॉर्म में बना सकता है। मेमोरेंडम क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड फॉर आर मेमोरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो ना कंपनी के अंदर, है ना, या इसी में आगे अपन एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएंगे, कंपनी में भी बनाते हैं। ये सब इसलिए समराइज चीजों को लिखने के लिए, ताकि कहीं भूल जाओ तो आप उससे देख सको, तो इसीलिए अपन ये चीज बनाते हैं कि जो भी स्कोप टाइमिंग एक्सटेंड आपको डिसाइड करना है सब कुछ रिटर्न में लिख दो, ताकि प्लानिंग करने में रहेगी आसानी। अब प्लानिंग क्यों करते हैं, प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ये आप पढ़ के बताओ मुझे पूरा पैरा डॉक्यूमेंटेशन वाला। ये किस चीज का रिकॉर्ड है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर ये नहीं याद रहे आपको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो डायरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर तो लिख सकते हो, एट द असर्शन लेवल इन रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क, और इसके हिसाब से बनता है। इट ऑल्सो सर्वे रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी रिव्यू एंड अप्रूव प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले आप उसको क्या कर पाओगे, रिव्यू करने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई साहब बताइए स्ट्रेटजी को क्यों लिख रहे हो, स्ट्रेटजी का रिकॉर्ड क्यों बना रहे हो, बिकॉज ऑफ गाइडेंस मिल सके टू, या गाइडेंस, इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द ऑडिट प्लानिंग एज वेल एज डायरेक्शन टू द एंगेजमेंट टीम। ओके, प्लानिंग को क्यों लिख रहे हो, नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल, उसके लिए लिख रहे हो आप। और क्या काम आती है, रिव्यू करने के काम आई। अच्छा, रिव्यू के काम कैसे आती है, बहुत सिंपल है, सुनना। मैंने पढ़ाई की प्लानिंग कर ली कि मैं आज में इतने इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं शाम को उस चीज का प्लानिंग से ही तो मैच करके रिव्यू करूंगा कि मैं कितना पढ़ पाया और कितना नहीं पढ़ पाया, कहां पे गैप रह गया, कहां मैं इतने, मैंने सोचे थे 10 क्वेश्चन याद करूंगा लेकिन मैं 8 ही क्यों कर पाया या 9 क्यों कर पाया, तो उसी से तो रिव्यू होगा। तो इसीलिए प्लानिंग को भी आपको रिटर्न के अंदर लिखना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, पढ़ के बताओ, सिर्फ 2 लाइनें पढ़ना, ओनली 2 लाइन्स। प्रोग्रामिंग के लिए क्या बोला इन्होंने, The auditor may use standard audit program and to audit completion checklist tailored as needed to reflect the particular engagement circumstances. Particular engagement circumstances का मतलब आपको याद दिला देता हूँ, मैंने क्लास में ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया हो, है ना, आप लोगों ने भी, तो सिनेमा का ऑडिट होता है, होटल का होता है, एक मैंने बीच में इसी चैप्टर के साथ बताया हुआ है, बाकी तो इसका चैप्टर अलग है, ऑडिट ऑफ एंटिटीज 13 चैप्टर के अंदर है, लेकिन यहीं पे मैंने एक ऑडिट प्रोग्रामिंग बताया है कि होटल की ऑडिट कैसे होती है, उसका बकायदा प्रोग्राम बनता है,
है ना। तो यही वो कह रहा है, पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस में ऑडिट आपको कैसे कंप्लीट करनी है। उसके चार पार्ट होते हैं, जैसे जैसे होटल का अगर कर रहे हो तो होटल की इनकम, होटल का एक्सपेंडिचर, बराबर, फिर होटल का एसेट और होटल का लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें हम कैसे करते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली क्वेश्चन, मतलब रियल का भी एक था यहाँ पे मैंने दिखाया था, मेन चीज ये कि जैसे इनकम है तो होटल की इनकम कहाँ कहाँ से होती है भाई। अच्छा, इसमें एक बढ़िया काम करते हैं, सुनना, यहाँ पर्सन का नाम भी लिखते हैं, प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ आपको। कौन इनकम की ऑडिट करेगा, मिस्टर ए करेगा, एक्सपेंडिचर की मिस्टर बी करेगा, एसेट्स की मिस्टर सी कर लेगा, और मिस्टर डी, अगर चार लोग हैं तो। मैं मान रहा हूँ एंगेजमेंट टीम में चार लोग हैं, चारों को मैंने अलग अलग काम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ रहता है, जो भी ऊपर पढ़ा था ना तुमने, आवर्स एलोकेशन, समझ रहे हो कितने टाइम में काम खत्म करना है। डेज में भी दे सकता हूँ, आवर्स में भी दे सकता हूँ, कि भाई आपको छः दिन लगेंगे, आपको छः दिन लगेंगे, आपको तीन दिन और तीन दिन ही लगेंगे, इतने टाइम पीरियड में आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोग्राम बनता है ना। स्पेसिफिक एंगेजमेंट होटल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, क्लब्स के लिए, अलग अलग। अब इनकम में तीन चार चीज़ें लेने को कहा था, रियल में तो बहुत होती हैं, अपने कोर्स में है इसलिए मैंने कहा था चार चीज़ें लेनी होती है। ठीक है, होटल की इनकम में हमने एक तो लिया था रूम रेंट, उससे रिलेटेड सब चीज़ें चेक करते हैं। एक मैंने बैंक्वेट हॉल, या किसी लोगों ने कहा था सर बार भी ले सकते हैं हम, तो ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हारे शौक वैसे पॉइंट्स, ठीक है, ले लेना बार, मना नहीं मेरी तरफ से, मैंने नहीं लिया था, बराबर। तो मैंने रूम बैंक्वेट हॉल लिया था, मैंने एक लिया था रेस्टोरेंट, बड़ी चीज़ होती है। उसके अलावा और आजकल वो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल वॉल होता है, मैरिज के लिए हॉल वॉल प्रोवाइड करते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें, ये सब इनकम में। ऐसे ही होटल के एक्सपेंडिचर हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हैं, एसेट्स में सब कॉमनली अपने को बताइए। तो ऐसा ऑडिट प्रोग्रामिंग रिटर्न में बनता है, समझे आप, रिटर्न में वो प्रोग्रामिंग बन करके जो भी ये चार लोग ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं ना, चारों को पकड़ा दिया जाता है, ये लो भाई पकड़ो, अब इसके हिसाब से तुमको क्या करनी है, ऑडिट करनी है, जो अपने लिए बहुत ईजी हो जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर चेंजेस के लिए क्या बोला ये भी पढ़ के देखो, ये तो आसान है, वही वाला पैराग्राफ अपन लिख सकते हैं जो अपन ने पहले पढ़ा। चेंजेस को अपन रिटर्न में क्यों लिख रहे हैं, क्यों चेंज किया, रीजंस वाले पॉइंट वो लिख दो ना सारे के सारे, अपने क्या लिए थे पहले। हाँ, कंडीशंस में चेंज हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट अपने सामने आ गए, ठीक है, और क्या था, कोई न्यू ऑडिट एविडेंसेस अपने को ऑप्टेन हुए, तो बस वही सारे यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चेंजेस आपने किए नेचर टाइमिंग में, जो जो चेंजेस हुए। अब इन्होंने आगे ये भी बोला, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग थिंग्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी दे दिया आपको कि ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होने चाहिए। नंबर वन पे क्या है, मेरे हिसाब से आंसर वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, ये आंसर में आना नहीं चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में डाला है। क्या है देखें, कौन सा है ये, पहला नंबर, समरी ऑफ डिस्कशन विद द एंटिटीज की डिसीजन मेकर, मतलब मैनेजमेंट के साथ में जो आपने डिस्कशंस किए। सेकेंड नंबर, ऑडिट कमेटी का प्री अप्रूवल वेयर रिक्वायर्ड, किन्हीं किन्हीं कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है ना, तो उसमें ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया होगा, वो चाहिए रिटर्न में। थर्ड नंबर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, मतलब बोलो बोलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर, ये क्या चीज है, ये क्या है भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के, हमारे एक्सेस करने के राइट्स, मैनेजमेंट अप्रूवल करके देगा ना कि हम एक्सेस कर पाएंगे चीज़ों को, वो चाहिए। अदर कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, TCWG, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है, रिगार्डिंग द स्कोप या चेंज इन स्कोप ऑफ आर सर्विसेज, फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड इन एंगेजमेंट, डेप्ट है या डेप्ट कन्वीनियंट कंप्लायंस लेटर है कि भाई आपने डेप्ट से रिलेटेड सारे रिक्वायरमेंट अपनी पूरी की, ये सारे। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इसका इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं था मेरे हिसाब से, तो इन्होंने बस आपको ये दे दिया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है,
तो सुनना, इन जनरल भी अगर कोई मुझे पूछे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, तो बट ऑब्वियस सबसे पहले मैं जब जाऊंगा वहां पे तो मैनेजमेंट के साथ में मेरा जो डिस्कशन हुआ होगा उसको रिटर्न के अंदर लिखूंगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो हमने टाइम स्कोप और नेचर डिसाइड किया होगा एक्सटेंड, वो सब लिखूंगा रिटर्न के अंदर, और क्या करूंगा रिटर्न में। फिर ऑडिट कमेटी ने जो जो काम अप्रूव किया होगा वो लिख दूंगा। फिर मेरा मैनेजमेंट और TCWD के साथ फ्यूचर में और भी कोई डिस्कशंस होंगे, मीटिंग्स होंगी, वो सब का भी रिटर्न के अंदर लूंगा, ठीक है। फिर बुक्स वगैरह एक्सेस करने का लेटर आप हमको इशू करोगे, अथॉरिटी दोगे, वो भी मैं रिटर्न के अंदर कॉपी रखूंगा अपने पास में, ये भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। फिर जो चेंजेस वगैरह हुए, जो रीजन हुए, वो भी लिखूंगा, ये सारे भी पार्ट हो गए। तो ये सबकी सब चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। वो मेरे हिसाब से तो आंसर वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट अब ठीक है, इन्होंने दिया है तो उस तरीके से आपको तैयार तो करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है अपने पास में, सीधी सी क्लियर बात है। अदरवाइज तो अपने पास क्या था, वापस याद कराओ मुझे, 3 चीज़ों के लिए बोला है इन्होंने। पहले नंबर पे स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में क्यों लिख रहे हो, वो गाइडेंस मिल जाएगा ऑडिट प्लानिंग के लिए भी एज वेल एज एंगेजमेंट टीम के लिए भी। प्लानिंग को क्यों लिख रहे हो, प्लानिंग क्यों कर रहे हो, ताकि फ्यूचर के अंदर आप रिव्यू कर पाओगे, नेचर टाइम और एक्सटेंड इससे डिसाइड हो जाएगा आपका, इसलिए इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो, रिकॉर्डिंग चेकलिस्ट बन जाएगी, टाइम वो आप देख पाओगे प्रॉपरली वर्क प्रोग्रेस, अभी जो मैंने बना के दिया ना उससे प्रोग्रामिंग में आपको, तो इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, वो क्यों करते हो चेंजेस वाले, बस ऑब्वियस रीजंस आपको मिल जाएंगे, रीजंस कौन सा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है, उन सब की वजह से हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं और, ये नवंबर 19 के हमारे लेटेस्ट वाले RTP के अंदर देके रखा हुआ था, प्लान शुड बी मेड टू कवर, ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, प्लान शुड बी मेड टू कवर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो, यही वाला देखना, 4 पॉइंट थे उसमें, सेम है क्या आंसर, देखो है सेम है, यही वाले एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस पर सूट करता है, क्योंकि पता लग रहा है प्लान शुड बी मेड टू कवर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसी इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, तो क्वेश्चन में आंसर आ गया उसका, देख लो क्वेश्चन में आंसर है। सबसे पहले क्या बोला, अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज, ICS का नॉलेज, सेकेंड नंबर कितना भरोसा करना है, तीसरा नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड पता लग जाएगा, और फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये इन्होंने करने को बोला। ये इस बार के RTP के अंदर क्वेश्चन था, जनरली अपने इसमें क्वेश्चन एक बैक RTP के पूछे जाते हैं, समझ रहे हो, जैसे RTP नवंबर 19 है तो उसके क्वेश्चंस तुम्हारे इसके अंदर आने के बहुत बड़े चांसेस बनते हैं, एक दो करंट से आ जाते हैं, एक दो पिछले RTP से आ जाते हैं, तो इसीलिए RTP के क्वेश्चंस तो करके जाने ही जाने चाहिए, कोई अपने पास में ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा पार्ट ये भी कर लो, एक दो क्वेश्चन में 12 यहां से देखना, तुम्हारे उधर नहीं है, बीच के क्वेश्चंस कल करेंगे, यहां से देखो आप, कल का मॉर्निंग क्लास 10 बजे का, यहां से देखो। हाँ जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा यहां पे, सिर्फ या तो करेक्ट रहेगा इनकरेक्ट रहेगा, जैसे CPT वालों की हुआ करता था, कोई पार्टली तो है ही नहीं, या तो ट्रू है या फॉल्स है, तो ध्यान रखना आंसर में कहीं पर भी तुमको पार्टली दिखने वाला नहीं है। कौन सा वाला, वो 5th वाला क्वेश्चन देंगे नहीं आपको इस तरह का, करेक्ट इनकरेक्ट में थोड़ी पूछेंगे आपको, ये वाला प्लान शुड बी मेड टू कवर, इसमें पार्टली क्या है, नहीं अब ये किधर किधर लिखा है, ये लास्ट वाला, फ्रॉम द अबव क्लियर इट इज क्लियर दैट स्टेटमेंट गिवन द क्वेश्चन इज पार्टली करेक्ट, ये करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर नहीं पूछेंगे आप, वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाँ भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो फिर वो आपको ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ऐसा आंसर देने वाले है ही नहीं। हाँ, एक्सप्लेन डिटेल में आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप लिख भी सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेक्ट इनकरेक्ट का इधर से देखना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग सीक्वेंस में ही चले, है ना, बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन मे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटल चेंज टू अदर,
एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है, एज इट इज लाइंस आपको दे के रखी हुई हैं, समझाया हुआ है, यही चीज हमने यहां पे समझाई है, कोई भी चीज पहले बाद में आना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान इज प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। क्या ऑडिट की स्ट्रेटजी करना, प्लानिंग करना मैनेजमेंट का काम है क्या? तो किसका काम है? लिख दिया हमने, आंसर बहुत सीधा सा था, पूरा यूं के यूं आंसर हमने लिख दिया, और आगे क्या लिख दिया, द ऑडिटर शेल एस्टैब्लिश। ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसका है? ऑडिटर का है, ये इतना सा चेंज था। चलिए, प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, इस मतलब क्या था, कंटिन्यूस फेज, क्योंकि इसमें हमको टाइम टाइम पे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ये मॉडिफिकेशन वाली सारी लाइन इन्होंने यहां पे दे दी है कि जहां जहां जरूरत होगी हम उसके अंदर क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, कंप्लीट होने से पहले चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इट इज अ कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस, ऑफन बिगिन शॉर्टली, ये लाइन बहुत जरूरी है, ये लाइन देखना नोट्स में भी है, कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट से चालू हो जाती है और करंट ऑडिट एंगेजमेंट तक चालू रहती है, समझ रहे हो? पिछली ऑडिट जब खत्म हुई तब से ये चालू हो गई, और अब वाली ऑडिट जब खत्म होगी वहां तक आपका ये फेस चलेगा, जहां जहां चेंजेस करने पड़ेंगे वहां पे चेंजेस होंगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा देखो, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज एंड डिस्क्लोजर डज नॉट नीड एनी रिविजन। मटेरियलिटी एक बार बना लो तो फिक्स है, उसमें कोई रिविजन नहीं होता है क्या? होता है, क्यों होगा? मटेरियलिटी समझ में आया, मटेरियलिटी लेवल एक डिसाइड होता है भाई, पढ़ा अगर आप लोगों ने चैप्टर हो तो, एक लेवल डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर के आइटम्स को चेक करेंगे, उसके नीचे वालों को छोड़ देंगे। तो क्या वो ऊपर नीचे कर सकते हैं? उसके हिसाब से फ्रॉड करेगा, वो उसी के नीचे ही फ्रॉड करेगा, उसको क्रॉस करेगा ही नहीं कभी। अब इसी को ऑडिट की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इफ एप्लीकेबल, ये तो क्वेश्चन की एज इट इज लाइन आ गई, मे नीड टू बी रिवाइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस, वही अपना रीजन हो गया जो आपने ऐसे 210 में भी पढ़ा है, एंगेजमेंट के अंदर कब चेंजेस करते हैं अपन, है ना? तो ये वही चीज हो गई, कल को एक मेजर पार्ट आपने बेच दिया तो उसके हिसाब से हो सकता है इनकम या एक्सपेंडिचर कम हो गया हो, तो आपने तो उसके हिसाब से अपना लेवल रखा हुआ था, तो चेंज करना पड़ेगा। कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ गई, ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में कुछ चेंजेस हुए, या और कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आपको लगाने पड़ गए, तो मटेरियलिटी लेवल को आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इन्होंने कहा सर मैं वो लिखूं जो मैंने बोला, लिख सकते हो वो भी, पर एडिशनल में लगाना पड़ेगा, है ना, फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, या जो इन्होंने बोला कि भाई मे बी क्लाइंट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर, सो ऑडिटर हैव टू चेंज इन मटेरियल लेवल टाइम टू टाइम, तो लिखा जा सकता है, लेकिन इन सारे मैटर के अलावा ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर, इतना आज करिए, कल इसको करेंगे अपन कंप्लीट, नया शुरू करेंगे अगला चैप्टर, दो चैप्टर का टेस्ट डेट बता दूंगा कल आपको, तो फटाफट से क्वेश्चंस याद करने, कल ये बचे हुए सुन भी लूंगा आज वाले, और सुनने तो पड़ेंगे, उसके बिना तो करोगे कैसे तुम, हल्का हल्का मुझे सुनना तो पड़ेगा ही कि हाँ भाई कितना कितना दिमाग में है, याद कर रहे हो तो, नहीं तो फिर टेस्ट में लिखोगे कैसे, ठीक है, इतना करिए आज। यस क्लास, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में ये था, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग में एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से होगा, ऑडिट स्ट्रेटजी का जो क्वेश्चन किया ना अपन लोगों ने सेकंड वाला, तो मेन चीज ये हो गई कि ऑडिट मतलब जो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्ड अपने लिए काम का रहेगा ये वाला, चाहे ये क्वेश्चन आया हो तब भी क्या पूछा गया, एस्टैब्लिशिंग कैसे होता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन भी आया तब भी आपसे पूछा गया कि भाई एस्टैब्लिशिंग कैसे होगी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी की, बराबर, तो अपने को ध्यान में रखना है, वो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका हो गया कि अगर ये चीज आती है अपने पास में तो अपने को यहां पे चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चार पॉइंट में सबसे पहले नंबर पर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस का, एम्प्लॉयमेंट का मतलब लगाना, कहां किसको लगाना है, यही था।
तो जो हाईली रिस्क वाले एरियाज अगर लगे तो एक्सपीरियंस वालों को लगा दो, कॉम्प्लेक्स एरियाज लगे तो एक्सपर्ट को लगा दो। ह्यूमन रिसोर्सेज का एस्टैब्लिशिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे करना है, तो पहला नंबर तो अपने पास बहुत सीधा सा हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर हम आए सेकंड नंबर के ऊपर, एलोकेशन में क्या था वो नंबर ऑफ पर्सन, कितने कितने लगाने, आर्स के हिसाब से, यही इसी में था, आर्स के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, वर्किंग के हिसाब से कर सकते हो। तो ये सब अपना सेकंड वाले पॉइंट में था कि भाई एलोकेशन कैसे होगा, टाइमिंग क्या रहेगा। दो ही पॉइंट थे इसके अंदर, दो, एक तो इंटरिम था और एक अपने पास में कट ऑफ था। इंटरिम और कट ऑफ के टाइम पे अपने को लगाना है, तो दो पॉइंट इसके बहुत सिंपल से थे। फिर था मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैनेज के लिए अपने को रिव्यू प्रोसीजर्स कहीं पर डालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग वहाँ पर देख भी रहे हो और उसमें देखना पड़ेगा ब्रीफिंग की मीटिंग्स किस तरह से हो रही है। ठीक है, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग कैसे हो रही है, फिर ऑफ साइड ऑन साइड वाला अपना एक पॉइंट था इसी के अंदर है ना, ऑन साइड ऑफ साइड के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये पॉइंट अपने को लिखने चाहिए थे। बराबर, सिंपल है। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी, फोर्थ नहीं, कल कौन सा था, फिफ्थ वाला, वो एक जैसा था कि जिस वक्त में आप ऑडिट का प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए था। चार बातें थी उसके अंदर, बहुत सिंपल। सबसे पहले एक्वायर करोगे क्या नॉलेज, इसका क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह का पहले तो नॉलेज एक्वायर कर लोगे। सेकंड नंबर भरोसा, रिलायंस किस पर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। फिर उसके बाद नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड डिसाइड करेंगे ऑडिट प्रोसीजर का। और फाइनली अपने को करना है कोऑर्डिनेशन, है ना। बराबर, तो प्लानिंग के अंदर ये चार चीज़ें अपन देखते हैं, कॉमन प्लानिंग है। शादी की प्लानिंग भी कोई कर रहा हो तो ये चार चीज़ें देखेगा, ये चार चीज़ें। सबसे पहले नॉलेज लो, नॉलेज किसका, सामने वाले का कि सामने वाली का, जो भी है, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहले तो नॉलेज, जैसे यहाँ नॉलेज होता है अकाउंटिंग सिस्टम का, वैसे नॉलेज लो। नॉलेज जब ले लो तो सेकेंड नंबर के ऊपर भरोसा कितना कर सकते हो, जीवन भर का साथ है, जीवन भर का साथ है, समझ रहे हो। तो रिलायंस बिठानी पड़ेगी, एक बार रिलायंस बैठ जाए तो फिर नेचर, बराबर समझ रहे हो, नेचर टाइम और कितना साथ रहेगा वो देखना पड़ेगा। फाइनली कोऑर्डिनेशन, शादी पहुंचेगी, वो अपना अपना लुकआउट है। बराबर, तथास्तु। बराबर, मरा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सीधा सीधा सा है, हर प्लान में यही चीज़ें होती है, चाहे मैरिज का प्लानिंग हो चाहे इधर का प्लानिंग हो। तो चार पॉइंट्स अपने को जो है वो खास करके इसमें ध्यान में रखना है, एग्जाम के हिसाब से अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से याद हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स अपने पास में है, यहाँ से करना था मेरे ख्याल से, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कल ये बात की थी अपन ने थोड़ी सी, चेंज इन कंडीशन और द ऑडिट एविडेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये कल अपने क्वेश्चन का आंसर था, है ना, जो क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया गया। चेंज इन कंडीशंस अपने बात की थी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट पे बात की थी कि कब चेंज करना पड़ता है ना। और ऑडिट एविडेंसेस जो अपने को मिले, द ऑडिटर मे नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, ये तो अपने कल पैराग्राफ काम में लिया था, है ना, कि भाई अच्छा उसमें भी काम आया था अपना ये कि अपने को मॉडिफाई क्यों करना पड़ता है, इन्हीं चीजों की वजह से अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करने को बोल दिया, लेटेस्ट आरटीपी नवंबर 19 का ये अपना क्वेश्चन है। तो आप देखें इसके आंसर में इन्होंने क्या लिखा, बहुत सिंपल। पहला, यहां तक तो चीजें वही लिखी है, द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द ऑडिट प्लान इज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ, क्वेश्चन ही लिख दिया है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो क्वेश्चन ही होगी, उसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं है। आगे क्या लिखा, द ऑडिटर मे नीड टू मॉडिफाई द स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एंड देयर बाय द रिजल्टिंग प्लान नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द एसेस रिस्क। अब इसमें नया, हाँ, अब चूंकि हम लोगों ने क्या किया, पुराने सिस्टम के हिसाब से अपनी प्लान की हुई थी, अब सिचुएशंस के अंदर चेंज हुआ, सिचुएशन के अंदर चेंज हुआ तो एसेस रिस्क में भी चेंज होगा, और रिस्क असेसमेंट के चेंज के हिसाब से ऑडिटर हैव टू मॉडिफाई नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, समझ रहे हो, कनेक्शन बिठाना। चेंज हुआ तो रिस्क चेंज हुई, रिस्क चेंज हुई
तो हमको नेचर टाइम और एक्सटेंड जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का है उसमें भी करना पड़ेगा चेंजेस, ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दिस मे बी केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर अटेंशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। तो वही हो गया कि पहले जो इन्फॉर्मेशन थी और अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उनमें डिफरेंस है, उस वजह से हमको मॉडिफाई करना पड़ रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया, ये तो वही एग्जाम्पल है, कल भी तो लिया था। ऑडिट एविडेंस इज ऑप्टेन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस इज ऑप्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको कहा था कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेज रिसीव फ्रॉम टेस्ट ऑफ डिटेल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दोनों से जब अलग अलग आ रहे हैं तो इट मीन्स ऑडिटर हैव टू मॉडिफाई हिज ऑडिट प्रोसीजर्स। मॉडिफाई जब भी लिखो तो मॉडिफिकेशन किस चीज में है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर फर्दर वर्ड क्यों लगा रहे हो, अब जो काम में लेने हैं तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, इनको अपन ध्यान में रखेंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे अपने को। क्योंकि मॉडिफाई क्या करना है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही अपने को इसके आंसर के अंदर लिखना है, तो लगभग कल जैसे ही है। नेक्स्ट आरटीबी नवंबर 19 का एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप का दिखता है। एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म MKCN कंपनी थिंक्स दैट प्लानिंग एंड ऑडिट वुड इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर द एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। Also acquiring planning would be benefit the audit of financial statement in several ways. Planning जो है वो काफी सारा benefit देगी. Analyze explaining the benefits of adequate planning. अब क्या लगता है इसके अंदर आपको, पहली दो लाइनें पढ़ के तो लगा कि सर वो establishing वाला point है, मैंने कहा भी था आपको है ना, लेकिन actual में इन्होंने establishing तो एक line दी है, पूछा ये नहीं है, पूछा क्या है, हाँ एडिक्वेट प्लानिंग के बेनिफिट्स आपसे पूछ लिए कि फायदे बताइए अगर हम एक प्लानिंग करते हैं ऑडिट की, तो बेनिफिट क्या है, कम हो जाएगा है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है प्लानिंग से। अब इन्होंने क्या मैटर लिए हैं देखिएगा, सब दे रखे हैं आपके उसमें। स्टार्टिंग में तो इन्होंने यहां तक तो मेरे ख्याल से वही लिया है क्वेश्चन ही, सेवरल वेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, 6 पॉइंट टोटल बेनिफिट्स के यहाँ पे लिए गए हैं कि अगर हम एक बढ़िया ऑडिट प्लानिंग करेंगे तो अपने को फायदे क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। सबसे पहला, पहले से जब आप प्लानिंग कर लोगे तो ऑडिटर कैन फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना है पता लग जाएगा, तो इंपॉर्टेंट एरियाज पता लग जाएंगे किन पे अटेंशन देना है, पहला फायदा। दूसरा, हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन अ टाइमली बेसिस। जब पहले से प्लानिंग किया हुआ है तो टाइमली बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर लेगा व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कहाँ हैं, कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। ये प्लानिंग अगर आपने पहले से ही कर ली है तो आपको बहुत आराम हो जाएगा, भाई टाइमली मैनर के ऊपर जब प्रॉब्लम का पता लग जाए तो सॉल्यूशन भी बहुत आराम से मिलेगा। तो पहला फायदा क्या, फर्स्ट बेनिफिट किस चीज में हेल्प कर रहा है, इंपॉर्टेंट एरियाज पता लगा लेगा अटेंशन किस पे ज्यादा देना है। सेकेंड नंबर पे, टाइमली बेसिस पे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर पाएगा कि कहां कहां समस्या आ सकती है। थर्ड नंबर, हेल्पिंग द, अब हर क्वेश्चन की हर इसमें स्टार्टिंग 3 पॉइंट में क्या, हेल्पिंग द ऑडिटर, हेल्पिंग द ऑडिटर तो ऐसे लिखना है अपने को, हेल्पिंग द ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब तीसरा फायदा जो मेन प्लानिंग का फायदा होता ही है, कहीं पर भी जैसे आप स्कूल के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ गया है उसमें होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग पढ़ते हो ना सब, मोटिवेशन, ये सब चैप्टर्स होते हैं। तो प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में आप काम खत्म कर सकते हो कहीं पर भी। प्लानिंग का इट्सेल्फ, ऑडिट की प्लानिंग नहीं, नॉर्मल प्लानिंग का भी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आप काम कर सकते हो। तो यहां भी वही है कि आप ऑडिट एंगेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे, इतने लोग मेरी एंगेजमेंट टीम में है, मैंने प्लानिंग कर ली किसको कौन सा काम देना है वो तय कर लिया, तो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हमारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा अगला बेनिफिट है। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर आपको क्या दिया है देखें, पढ़ो इस पॉइंट को, हाँ जी।
assisting in the selection of engagement team member with appropriate level of capabilities and competence to respond the anticipated risk and proper assignment of work to them. बहुत सही है. Selection of the, हाँ वो जो employment वाला point था ना, resources वाला, उसमें help मिलेगी. Selection of engagement team. Management का एक principle Henry Fayol के जो 14 principle थे उसमें ये भी था, proper person at the proper place. सही जगह पे सही व्यक्ति. तो जब आपने प्लानिंग की हुई है तो आपको ये चीज बहुत आराम से पता लग जाएगी कि कौन सा काम किस पर्सन को देना ठीक रहेगा. मैंने आपको उसे एग्जांपल भी दिया कि हमारी एंगेजमेंट टीम में कोई कैलकुलेशन जिसकी बहुत अच्छी है उसको उस तरह का काम दो, बराबर. किसी का अकाउंटिंग बहुत अच्छा है उसको अकाउंटिंग के काम पे लगाओ. तो किसी का टैक्सेशन बहुत अच्छा है तो उसको आपने उस काम में लगाया. तो आपको प्लानिंग करने से बहुत बड़ा आराम क्या मिल जाएगा, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर. आप उनको प्रॉपर सेलेक्ट कर पाओगे उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उसी के हिसाब से उनको वर्क एलोकेट कर पाओगे जैसा यहां पे लिखा है, प्रॉपर असाइनमेंट टू वर्क टू देम. फिर अगला फायदा प्लानिंग का, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क. प्लानिंग रिटर्न में लिखिए, कल आपने पढ़ा, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन करने से आपको पता है कौन सा काम किसको दिया और उसको कब पूरा करना है. तो एक तो एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन हो जाएगा, सुपरविजन हो जाएगा और उनके काम का रिव्यू, ये काम दिया गया था तुमने ये करके दिया, प्रॉपर टाइम पे हुआ नहीं हुआ, हर चीज की रिव्यू फैसिलिटी आपको प्लानिंग से मिल जाएगी. ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक और. और आखिरी बेनिफिट, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल कोऑर्डिनेशन बैठेगा ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक्सपर्ट. आपने कल पढ़ा, अभी भी मुझे वापस बताया कि आप एक्सपर्ट की मदद लेते हो कॉम्प्लेक्स एरिया में, ठीक है. तो जो एक्सपर्ट है और जो ऑडिटर है उनके काम के बीच में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे आपने सेट कर लिया था कि कॉम्प्लेक्स मैटर एक्सपर्ट देख रहा है, हाईली रिस्क वाला मैटर एक्सपीरियंस लोग देख रहे हैं, दूसरा मैटर नॉर्मल लोग देख रहे हैं. तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बैठ जाएगा. ये ऑडिट प्लानिंग के हमारे 6 यहाँ पे हो गए बेनिफिट, ठीक है. सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है. हाँ, अब ये पॉइंट्स ने ये पैराग्राफ में नहीं डाले हुए, तो मैंने पैराग्राफ सेट हो गया है यहाँ पे, वहाँ पे भी शायद पैराग्राफ सेट हो गया है ना. नहीं, ये पॉइंट्स के अंदर लिख देना आप 1, 2, 3, 4, क्योंकि बेनिफिट्स या इस तरह की कोई चीज़ होती है ना जहाँ अलग अलग टॉपिक समझा दिया आपको, तो आप बिल्कुल उसको पॉइंट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 वहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है. बिल्कुल 1, 2, 3, 4 देने वाले हैं. 6 पॉइंट अपने पास में है, ठीक है. पहला सबसे बड़ा फायदा हेल्पिंग, 3 पॉइंट तो हेल्पिंग वाले हैं. पहला हेल्पिंग, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कंसिडरेशन पता लग जाएंगे प्लानिंग से. सेकेंड फायदा, टाइमली बेसिस पे आप प्रॉब्लम को, पोटेंशियल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाओगे टाइमली बेसिस पे, प्रॉब्लम पता लग जाएगी. तीसरा, वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर इधर ही था है ना, जो प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा ही होता है कि आप ऑडिट को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कर पाओगे. ये तीसरा बड़ा फायदा, ठीक है. फिर और फायदे, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से अगले पॉइंट्स में हम एंगेजमेंट टीम पे आ गए है ना. तो इसमें एंगेजमेंट टीम को एलोकेशन ऑफ वर्क प्रॉपर उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दे पाएंगे. फिर अगला काम, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू फैसिलिटीज प्लानिंग से अपने को पता लग जाएगी. और आखिरी वाला, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा एक्सपर्ट के अंदर और ऑडिटर के अंदर, वो एक बेटर तरीके से हो पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है. तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, बेसिक पॉइंट बता दिए. फिर हम एंगेजमेंट टीम पे आ गए कि भाई जब एलोकेशन ऑफ वर्क करना है अकॉर्डिंग देयर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, वो प्रॉपर कर पाओगे प्लानिंग के हिसाब से. फिर उनको डायरेक्शन देना, सुपरविजन देना, वो सब प्लानिंग के थ्रू हो जाएगा. और साथ में उनके काम का रिव्यू करना, और देन ऑडिटर और एक्सपर्ट की, अगर एक्सपर्ट है तो वहां लिखा हुआ भी है देखो, इफ एप्लीकेबल वेयर एप्लीकेबल, तो उनके कोऑर्डिनेशन का काम भी प्लानिंग के थ्रू आप आराम से कर पाओगे. ये अपने को इसके आंसर के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है. तो ये ऑडिट प्लानिंग के हमारे क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए. अगला क्वेश्चन कहता है, कल भी किया था अपन ने ये चीज, प्लानिंग कल करेक्ट इनकरेक्ट में था, आज डिटेल में पूछ लिया. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रैदर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन बीइंग शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट. कल करेक्ट इनकरेक्ट के आंसर में लिखी थी अपन ने लाइनें, ठीक है, कि ये वन टाइम फेज नहीं है, कंटिन्यू है. पिछला ऑडिट प्रीवियस ऑडिट खत्म होने से चालू होती है और करंट ऑडिट के खत्म होने तक चालू रहती है, ठीक है. फिर आपसे बोला कि इसको एनालाइज करो और इसको एक्सप्लेन करने को बोल दिया. तो देखें अब इसके आंसर्स में इन्होंने क्या क्या लिखा है. देखिए,
मेरे ख्याल से फर्स्ट पैराग्राफ तो वो का वो है, क्वेश्चन का ही है क्या? एज इट इज क्वेश्चन का पैरा लिख दिया है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पैरा से। वन टाइम वाला मतलब लगातार चलने वाला प्रोसेस और एक टाइम होने वाला प्रोसेस। तो हम क्या कह रहे हैं, नॉट डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट रेदर देन अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव, का मतलब वो लगातार चलने वाला, कंटिन्यू से मैच करता वर्ड है, सतत चलने वाला, लगातार चलने वाला, कंटिन्यू चलने वाला, ये वर्ड का मीनिंग हो गया। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इन तीन लाइन्स का मतलब क्या समझ में आता है, पढ़ के बताओ। प्लानिंग कर ली जाती है। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। भाई प्लानिंग एक्चुअल में है क्या, जो हम फ्यूचर में ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हैं उनकी टाइमिंग सेट हो जाती है कि इस टाइम पे ये काम अपने को करना है, ठीक है। दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और उतना खत्म होगा उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे। तो बेसिकली आप लोग भी जब पढ़ाई की प्लानिंग करते हो तो यही करते ना, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। तो प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या, क्या एक्टिविटीज करनी है उसका टाइमिंग डिसाइड कर लेना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्लानिंग, ठीक है। आगे क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सच मैटर एज। अब इन्होंने कहा प्लानिंग में क्या क्या चीजें अपन इंक्लूड करते हैं, कॉमन सी बात है, वहां से देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सबसे पहली चीज अपन ने वैसे भी पढ़ा कि हम जाने के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं और उसके साथ में रिस्क एनालिसिस भी करते हैं, तो प्लानिंग का पहला फेज। आगे बढ़ो, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, हाउ द एंटिटी कंप्लाइंग दैट द फ्रेमवर्क। दूसरा काम, जो आपका एनटीटी है उसका लीगल और जनरल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है, कल भी तो अपने पढ़ा था, उसके बारे में नॉलेज लेते हो कि नहीं लेते हो, जनरल अंडरस्टैंडिंग करते हो। तीसरा नंबर, मॉर्टेलिटी पता करते हो। चौथा नंबर, एक्सपर्ट को कितना इंक्लूड करना है। फिर अदर रिस्क असेसमेंट अगर लगाना पड़े तो वो भी अपन लगाते हैं। तो चार पांच चीजें अपन ने यहां पे लिखी हैं। अब क्वेश्चन एक्चुअल में अपने से पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि प्लानिंग जो है वो एक टाइम होने वाली चीज नहीं है, वो कंटिन्यू वाली चीज है, जो पिछले ऑडिट खत्म होने से चालू हो गए कंटिन्यू आगे तक चलती है। इसी को आपको एक्सप्लेन करने को बोला। तो हमने कहा कि हम प्लानिंग में कई सारी ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं जिससे पता लगता है कि ये कंटिन्यू लेवल पर चलने वाली है। तो सर क्या क्या चीजें इंक्लूड, बेसिकली टाइम डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले नंबर पर हमने क्या पॉइंट उठाया कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आपके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या लग रहा है, चलो हम वो भी कर लेते हैं। तीसरा, फिर हम मटेरियल, तो हर स्टेज के ऊपर प्लानिंग है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मटेरियलिटी डिसाइड करते हो, वो भी प्लानिंग के अंदर ही है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट कितने आएंगे, प्लानिंग का पार्ट हो गया। फिर आगे जाकर के जो फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे वो भी सब प्लानिंग के थ्रू ही होंगे, एकदम से तो है नहीं कि आज सोचा और कल लगा दिया आपने। तो प्लानिंग एक टाइम होने वाली चीज नहीं है, कंटिन्यू चलने वाली चीज है, बार बार लगातार हम प्लानिंग को। अच्छा आपने कल भी पढ़ा कि लगातार इसलिए भी है क्योंकि हम टाइम टू टाइम पे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, चेंज भी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो जहां जहां मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब आपका प्लानिंग जो है वो लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ये पॉइंट्स अपने को इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे लिए, दो तीन क्वेश्चन अपने पास में और हैं जो आ गए ऐसे 320 पे आ गया। एक तो अपना मॉडलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इन ऑडिट। अब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आगे के भी, एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, रिलेशनशिप बतानी है आपको मॉडलिटी के अंदर और ऑडिट रिस्क में। डायरेक्टली मुझे बताओ इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, इक्वल है, मैच कर दी, या इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टी, इनवर्स है ना। अगर मॉडलिटी का लेवल कम सेट होगा तो रिस्क हाई होगी, और अगर मॉडलिटी का लेवल आपने हाई रखा हुआ है तो रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
ऐसे ही कुछ है, चेक करें। मटेरिलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इन ऑडिट रिक्वायर दैट ऑडिटर शुड कंसिडर मटेरिलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट। मटेरिलिटी जो है वो डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम जज इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट। आपने पढ़ा हुआ है कि मटेरिलिटी हम अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। द ऑडिट शुड बी प्लान सो दैट द ऑडिट रिस्क इज केप्ट एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ये तो पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं अपन। हमारा पर्पस क्या होता है कि हम ऑडिट रिस्क को जीरो तो नहीं कर सकते बट एक्सेप्टेबल लो लेवल पे लेके आए। अब सुनना, ये जो वर्ड है ना आपका एक्सेप्टेबल लो लेवल, इसी से अपने पास में आता है रीजनेबल एश्योरेंस। ध्यान रखें, उसी का वर्ड है ये। 100% गारंटी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 100% हम करेक्ट कर भी नहीं सकते। तो हम क्या ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो का मतलब 100% एश्योरेंस, सवाल ही नहीं। हाँ, एक्सेप्टेबल लो लेवल, जितना कम कर सकते हैं उतना रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से हमारा जो एश्योरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? रीजनेबल एश्योरेंस आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज एन, ये सबसे मेन लाइन, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आती है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरिलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। जितना मटेरिलिटी लेवल हाई होगा उतना ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी, एंड वाइज वर्सा, और उसका उल्टा भी। मटेरिलिटी अगर ज्यादा रखोगे आप तो उससे क्या होगा? ऑडिट रिस्क कम, और अगर ये कम रखा तो ऑडिट रिस्क ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ऑडिटर हैज असेस्ड द इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। अब ये मेरे ख्याल से जिन लोगों ने फोर्थ चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे अभी। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क आपको तब समझ में आएगी जब आप फोर्थ चैप्टर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट वर्ड फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। इनहेरेंट का मतलब जो इनबिल्ट होती है, जिस तरह का आपका बिजनेस का नेचर है वो रिस्क उसके अंदर ही है ना। जैसे बैंक हो गया, मैं आपको बोलूं एक सीमेंट मैन्युफैक्चर है और एक बैंक है, दोनों के कौन से नेचर ऑफ बिजनेस में रिस्क दिख रही है? बैंक में या सीमेंट मैन्युफैक्चरर में? बैंक में। रीजन बोलो। सर वहां कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फाइनेंशियल मैटर ज्यादा है। तो बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि उसमें रिस्क होगी, उसको क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। सेकेंड नंबर होती है कंट्रोल रिस्क। सर ये क्या होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। सुनना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने लगाया तो रिस्क कम होनी चाहिए, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने के बाद भी अगर गलती होने के चांसेस हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 100% गारंटी दे सकता है क्या कि हम सारे फ्रॉड को रोक देंगे? तो ICS लगाने के बाद भी अगर फ्रॉड और एरर के चांसेस रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो सबसे पहले लेवल पे क्या आती है? इनहेरेंट रिस्क। क्या होती है ये? बिजनेस क्या नेचर ही गड़बड़ है। फिर उसके बाद कंट्रोल रिस्क, ये क्या होती है? ICS लगाने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं अभी भी रिस्क है, उसको कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अरे एक और वर्ड आएगा, ही शुड कंसीडर द डिटेक्शन रिस्क। सर ये क्या होती है? अब हमने ऑडिट करवाई, ऑडिट के बावजूद भी अगर कोई फ्रॉड के चांसेस बनते हैं तो उसको कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तीन लेवल होता है, सबसे पहला जो इनबिल्ड है नेचर के अंदर ही वो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल लगाने के बाद भी फ्रॉड के चांसेस अगर रहे तो कंट्रोल रिस्क, फिर और अच्छा कर लिया ऑडिट भी करवा ली, लेकिन ऑडिट भी 100% गारंटी तो नहीं देता है, तो ऑडिट करवाने के बाद भी जो रिस्क बाकी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने रिस्क असेसमेंट वाले में डिटेल से समझाया हुआ है, तो वहां से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं। ही इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एंड बेस्ड अपॉन हिज जजमेंट सेलेक्ट एप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अब ये सिर्फ इन्होंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि जिस वक्त में हम मटेरिलिटी डिसाइड करते हैं उस वक्त में इन सारी रिस्क को ध्यान में रख करके मटेरिलिटी डिसाइड होती है। इफ द ऑडिटर Does not perform any substantive procedure. सुनना, अब audit procedure लगाने का काम किसका था? Auditor का। सुनो, मतलब auditor ने ढंग के audit procedure नहीं लगाए, substantive नहीं लगाया, तो detection risk का क्या होगा? बोलो, high हो जाएगी। क्या कहते हो? अगर सही से audit नहीं की
तो वो जो गलती पकड़ने वाली आपकी रिस्क है वो क्या होगी, हाई हो जाएगी। ये सब वहां मैंने समझाया हुआ है फोर्थ चैप्टर में, ये देखो विल बी हाई। फोर्थ चैप्टर में अपन ने बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है, जब आप चैप्टर देखेंगे और जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, उसमें अपन ने दिया है कि ये चीज लो होती है तो ये चीज ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और यूं भी अपने को समझ में आता है ये कि अगर, अच्छा जैसे मैंने आपसे पूछा कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत शानदार है, बोलो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी। इंटरनल कंट्रोल बेकार है, कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगी। सेम उसी तरह से ऑडिट के जोरदार प्रोसीजर लगाए शानदार वाले, तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी, और ऑडिट प्रोसीजर आपने इस तरह से ज्यादा नहीं लगाए तो डिटेक्शन रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बस है ना। इफ द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क मे चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसके डेवलप में अब बट ऑब्वियस है कि आपका ऑडिट रिस्क जो है वो ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से आपको मटेरियल लेवल को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने पढ़ा हुआ है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये क्वेश्चन जब भी आप करें इस तरह का तो उससे पहले फोर्थ चैप्टर को पढ़ना चाहिए, है ना। मैंने आपको कहा था कि अपन ने यहाँ पे स्टडी मैट का सीक्वेंस रखा है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो सेकंड चैप्टर के बाद पहले चैप्टर फोर करना चाहिए, उसके बाद में चैप्टर थर्ड पे आना चाहिए, या थर्ड का कुछ पार्ट करके फिर फोर करके फिर वापस थर्ड में आना चाहिए, थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। क्योंकि ये सारे वर्ड दिए तो चैप्टर थर्ड में है, लेकिन रिस्क वर्ड आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने चैप्टर फोर में रिस्क असेसमेंट के बारे में सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं है, तब तक ये चीजें कम समझ में आती हैं। ये थोड़ा सा जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आगे अपना पॉइंट एक और आ गया, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, और वो फैक्टर्स बताओ जो गाइडिंग फैक्टर्स हैं इस कंसेप्ट के, मटेरियलिटी को गाइड करने वाली चीजें क्या क्या होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, सर बड़ा आंसर दिया है, बिल्कुल दिया है, स्टडी मैट के अंदर दे रखा है, लगभग लगभग ये तो वही दिया है जो ऊपर अपन ने पढ़ा, लगभग वही है। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ये डेफिनेशन दे रखी है आपके नोट्स में, एंड द रिलेशनशिप विद ऑडिट रिस्क वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट, हेंस द ऑडिटर रिक्वायर मोर रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ मटेरियल आइटम। ये वही हो गया कि जब मटेरियलिटी कंसेप्ट यही कहता है कि कुछ चीजें बहुत मटेरियल हैं और मटेरियल चीजों के अंदर आपको ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठे करने चाहिए ताकि हमारी जो रिस्क है वो कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे 320 डिफाइंस मटेरियल आइटम एज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है एंड रिलेवेंट आइटम, आइटम्स द नॉलेज ऑफ विच वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज, मटीरियल आइटम्स होते कौन से हैं जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करे, वो कहलाएंगे मटीरियल आइटम्स, ठीक है। आज मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्सेल एकेडमी का यूजर है, यहां पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मान लेते कंपनी है और हम इन्वेस्टर्स कॉल कर रहे हैं, यहां पे उसका इंटरेस्ट एसेट लाइबिलिटीज वगैरह में ज्यादा नहीं होगा, रेवेन्यू में ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं और कितना रेवेन्यू हो रहा है उसी के बेस पे चलता है मामला, तो है ना। तो अलग अलग यूजर का अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट हो सकता है। कोई बैंक अगर लोन देने के लिए आ रही है हमको तो उसका मिल रहेगा हमारे पास फिक्स एसेट कितनी है या हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, समझ में आ रहा है बात, क्रेडिट वर्दीनेस हमारी कितनी है। तो अलग अलग यूजर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से पता लगेगा। तो यहां हम आपको यही समझा रहे हैं कि यूजर के हिसाब से पता लगता है कि कौन सा आइटम मटीरियल है। द ऑडिटर हैज टू एंश्योर दैट सच आइटम आर प्रॉपरली एंड डिस्टिंक्टली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का ये काम है कि प्रॉपर तरीके से उस चीज को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया। द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज फंडामेंटल टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इट कवर ऑल द स्टेज फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। कोई आइटम अगर मटीरियल है तो उसकी सब चीजें आप देखोगे, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, डिस्क्लोज उसको प्रॉपर किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर हु हैज कॉन्स्टेंटली टू जज वेदर अ पर्टिकुलर आइटम इज मटीरियल और नॉट, और ये डिपेंड करता है ऑडिटर के खुद के प्रोफेशनल जजमेंट पर कि उसको फाइंड आउट करना है विच आइटम इज मटीरियल और नॉन मटीरियल, जैसे आप लोग करते हो, विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन और नॉट। इसने अलग 10 क्वेश्चन कैलकुलेट किए, इसने अपने हिसाब से अलग 10 क्वेश्चन निकाले, इसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी का गैस लग गया किसी का नहीं लगा। तो सेम ऑडिट में भी इसी तरह से होता है, इतने सारे ऑडिटर हैं अपने अपने हिसाब से ऑडिट करते हैं, तो ये आपका जजमेंट कहता है
बराबर, आपका जजमेंट कहता है कि कौन सी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर अगला पैरा तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, वही है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मटेरिलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। हायर अगर ये होगा तो वो लोअर हो जाएगी, वाइस वर्सा। वही चीजें इन्होंने वापस यहां पे एज इट इज आपको समझाई हैं जो ऊपर अपने पढ़ी। अच्छा, इसमें एक चीज बढ़िया दी, एक एग्जांपल चेक करो, ये द रिस्क दैट अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कुड बी मिस्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट माइट बी वेरी लो, बट द रिस्क दैट कुड बी मिस्टेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट माइट बी वेरी हाई। ये क्या चीज है ये बताओ। चलो मैं इसको इस तरह से पूछता हूं, अगर कोई भी आइटम बहुत बड़े अमाउंट का दिखेगा आपको तो उसको आप मटेरियल मानोगे? तो हो सकता है उस पर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाओ तो उस पर रिस्क कम हो जाएगी। वहीं छोटे छोटे आइटम्स हैं उसमें आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उस पर प्रोसीजर कम लगाओगे लेकिन उससे ऑडिट रिस्क ज्यादा हो जाएगी। या जो कल आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर मटेरियल लेवल एक फाइंड आउट कर लिया, क्लाइंट को पता है अगर तो ज्यादातर फ्रॉड उसके नीचे के ही होंगे, तो कई बार छोटे छोटे अमाउंट मिलके भी बड़े फ्रॉड के अंदर वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आपको डिसाइड करना है, इट्स योर प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। जरूरी नहीं है कि बड़ा अमाउंट हो तो रिस्क ज्यादा होगी या छोटा अमाउंट है तो रिस्क कम होगी, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बड़ा अमाउंट है लेकिन रिस्क कम है, छोटा अमाउंट है लेकिन रिस्क ज्यादा है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब फाइनली क्वेश्चन में तो इन्होंने यही पूछा था, जो छह पॉइंट आपको दिए हैं पूछा तो यही था, बाकी इतनी सारी चीजें भी इन्होंने लिखी। फैक्टर्स क्या थे? पहला फैक्टर बताओ क्या है, मटेरिलिटी आइटम कैसे डिसाइड हो सकता है? इंडिविजुअली भी कर सकते हो और एग्रीगेट में मिला के भी कोई चीज मटेरियल हो सकती है। सेकेंड नंबर, मटेरिलिटी कई बार रेगुलेटरी और लीगल कंसिडरेशन पे भी डिपेंड करती है। नोट्स पढ़ना, लेक्चर सुनना, आपको उसमें दे रखा है, जैसे मैनेजर कमीशन 11% है तो है, उससे ऊपर अगर दिया गया है तो वो चीज अपने आप में मटेरियल हो जाएगी क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। मटेरियलिटी इज नॉट ऑफन रिकंड विद रेस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटिव डिटेल, इट हैज क्वालिटेटिव डायमेंशन एज वेल। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी के हिसाब से ही देखा जाए, कई बार चीजों को क्वालिटी के हिसाब से भी देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल सुनना, हम जिस एंटिटी की ऑडिट करने के लिए गए वहां पे कुछ फॉरेन एक्सपोर्ट भी हैं, ठीक है, 20 आइटम ही हैं जो फॉरेन एक्सपोर्ट के हैं, बाकी सारे 250 आइटम लोकल हैं। तो 20 आइटम में मटेरियलिटी लगाओगे क्या? ये सारी चेक कर लोगे क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत कम है तो सारी चेक कर लोगे। तो कई बार क्वांटिटी के हिसाब से भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी नहीं, हम चीजों की क्या देखते हैं, क्वालिटी, कि ये चीज भले ही छोटे अमाउंट की है, भले लोकल है लेकिन इसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर आप क्वालिटी को भी ध्यान में रखोगे ना सिर्फ क्वांटिटी को। इवन इनसिग्निफिकेंट आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये उसी से कनेक्टेड हो गया, मे बी मटीरियल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कई बार ऐसा हो सकता है कि इनसिग्निफिकेंट आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से आपको लगे कि ये चीज का इंपॉर्टेंट है लेकिन वो चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर। जैसे अपन ने कहा था एक P&L अपन ने बनाया, ठीक है, P&L में यहां पे अपने को नेट प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है 50,000 का। समझ रहे हो, पता लगा कि 2,000 का एक खर्चा अपन लिखना भूल गए, या चलो 2,000 भी छोड़ो, 100 रुपए का एक खर्चा लिखना भूल गए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 100 रुपए का खर्चा लिखना भूल गए थे, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट 49,900 हो जाएगा। 100 रुपए की मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है, चला सकते हैं, इतना मटेरियल आइटम नहीं है। सुना, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट 50 रुपये ही है और 100 रुपए का आइटम एक्सपेंडिचर का लिखना भूल गए थे आप। समझ रहे हो, अब बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी प्रॉफिट का, P&L सीधा सीधा सा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। था अमाउंट तो अभी भी 100 रुपए का ही है, पहले भी 100 रुपए का ही था लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से 100 रुपए की वैल्यू एकदम चेंज हो गई। ये 100 रुपया अगर आप एक्सपेंडिचर में आप लिखते हो तो यहां पे नेट लॉस में पहुंच जाओगे आप। समझ रहे हो, तो छोटा अमाउंट भले ही हो लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है। सम टाइम द मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इज डिस्क्राइब इन लॉ इटसेल्फ। एग्जांपल आपको दिया,
शेड्यूल थर्ड कहता है, ये पढ़ चुके हैं अपन मटेरियलिटी के अंदर ही, डिस्क्लोजर ऑफ आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। ये अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो आप, डिस्क्लोजर के अंदर करना पड़ता है, कोई भी अगर आपका रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपया या उससे अगर ज्यादा हो तो उसको अलग से क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो अब वो चाहे आपके लिए मटेरियल हो या नहीं हो, लॉ ने कह दिया मटेरियल है तो आपको लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एन आइटम हुज इंपैक्ट इज इनसिग्निफिकेंट एट प्रेजेंट बट इन फ्यूचर इट मे बी सिग्निफिकेंट मे बी मटेरियल। जैसे कोई केस चल रहा है, मैगी वाला जैसे केस था अपना, कंटीजन लाइब्रेरी, हो सकता है अभी उसका कोई यूज नहीं हो लेकिन फ्यूचर के अंदर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, कंपनी को हिला सकता है। मैंने आपको कहा भी था मैगी का शेयर कितना, नेस्ले की सेल में 74% के आसपास मैगी का शेयरिंग था, तो एक बार मैगी पे बैन लगा तो कंपनी का 74% रेवेन्यू वहीं उड़ गया। तो ये आइटम फ्यूचर में अपने आप में मटेरियल हो जाएगा, तो ऐसी चीजें भी फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड रहेंगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया, लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त क्या चीजें खोपड़ी में रखनी है ऑडिटर को, क्या चीजें माइंड में रखनी है, आपसे पूछा गया, 5 पॉइंट लिखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। ठीक है भाई, जब हम ऑडिट प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे स्कोप क्या रहेंगे और लिमिटेशंस क्या है एंगेजमेंट के अंदर, वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन कैसे भाई, ब्रांच ऑडिट करने को हमको नहीं बोला है तो हम उसके लिए प्रोग्रामिंग थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो। कई बार जॉइंट ऑडिट होता है भाई, तो जॉइंट ऑडिट में एरियाज मार देते हैं, तो जितना एरिया हमारे पास है उतना ही ऑडिट करेंगे, हमको सिर्फ एक्सपेंडिचर के ऑडिट करने को बोला गया है तो हम एक्सपेंडिचर के ऑडिट करेंगे, बाकी क्यों करेंगे। सेकंड नंबर, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब हुआ, प्रोग्रामिंग के अंदर ये फैक्टर भी दिमाग में रखेंगे, किसी चीज के बारे में बहुत सारे एविडेंसेस हमको मिल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम डालें बेस्ट एविडेंस, उनमें से हमारे लिए क्या हो सकता है। आपको याद हो जब अपन स्पेशल एंटिटी की ऑडिट कर रहे थे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको अब पढ़ना है होटल वगैरह की, तो मैंने आपको कहा था, या वाउचिंग कर रहे थे जब अपन फाइनेंशियल आइटम्स की ऑडिट के अंदर, मैंने आपको कहा था 3-4 पॉइंट जब लिखो तो 1-2 पॉइंट उसमें बहुत स्पेशल लिखो, ज्यादा यूनिक वाले, जो शायद कोई दूसरा स्टूडेंट ना लिखे, ऐसा कोई पॉइंट उसमें डालो। तो वही चीज तो हम कह रहे हैं कि भाई कॉमन एविडेंसेस तो सब कलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट एविडेंस उनमें से क्या होगा, ये आपको अपने ऑडिट प्रोग्रामिंग में डालना चाहिए। फिर अप्लाई ओनली दोज स्टेप एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्पलिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पज ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। हम ये चीज भी प्रोग्रामिंग के अंदर डालेंगे कि उस पर्टिकुलर एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप या प्रोसीजर हमारे लगेंगे, वही उसके अंदर अपने को इंक्लूड करना है। कंसीडर जितने भी एरर्स हो सकते हैं, पॉसिबल एरर, वो सब भी कंसीडर करो, और कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स। इसका क्या मतलब हो गया, जो आइटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके प्रोसीजर में कोऑर्डिनेशन, जैसे डेटर और सेल जुड़े हुए हैं, परचेज और क्रेडिटर जुड़े हुए हैं, स्टॉक भी जुड़ा हुआ है साथ में, तो जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनके प्रोसीजर एक साथ ही कर लो, वो ज़्यादा ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगेन शादी का एग्जांपल, शादियों की सीज़न आएगी वापस, अभी चल भी रही है, तो शादी के कार्ड बांटते हैं, बहुत टफ जॉब होता है शादी के कार्ड बांटने का। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, या तो आदमी लिस्ट बनाए, पहले रिश्तेदारों को दूंगा, फिर दोस्तों को दूंगा, फिर उनके दूर को दूंगा, तो एक एरिया में 10 बार जाना है तो क्या 10 बार जाएगा, या लिस्ट बनाई भाई सरदारपुरा में 10 जने रहते हैं, उसमें से रिश्तेदारों दोस्तों को ही हो, जो भी उस एरिया से रिलेटेड है उनको एक साथ में मैं कार्ड दूंगा, एक ही आदमी को काम दे दूंगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग को दूंगा, यही होता है, यही काम हम कर रहे हैं, डेटर को अलग चेक कर रहे हो, सेल्स को फिर अलग जा करके चेक कर रहे हो उसको, तो जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन बिठाओ ना, कि एक ही टाइम पे सब चीज़ें चेक हो जाए। और अपन भी यही करते हैं, अपन ट्रायल बैलेंस बना के फटाफट चेक करते हैं, तो यही तो करते हैं ना, इससे रिलेटेड आइटम फटाफट वहीं जाके चेक कर लिया, बराबर। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह टैली वैली के बने हुए हैं, यही तो हैं, एक जगह आपने एंट्री डाली, वो जहाँ जहाँ पे उस एंट्री का रोल है वहाँ वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप पहुँच जाएगा, तो वही चीज़ अपने ऑडिट में भी करनी है। तो कहने का मतलब,
ऑडिट प्रोग्रामिंग में पांच चीजें, फटाफट नंबर वन पे फटाफट बताओ भाई। प्रोग्रामिंग करते वक्त स्कोप और लिमिटेशंस का ध्यान रख लेंगे सर, रख लेंगे ओके। सेकंड नंबर, बेस्ट एविडेंसेस का सिलेक्शन हो सके ऐसा कुछ करेंगे। तीसरा नंबर, स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से जो जो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है वो अप्लाई करने को प्रोग्रामिंग में डालेंगे। ऑल पॉसिबल एरर्स को हम लोग कंसीडर करके प्रोग्रामिंग करेंगे। और फाइनली रिलेटेड आइटम्स में कोऑर्डिनेशन रहे, प्रोग्रामिंग के अंदर हम काम करें उस तरह के कुछ पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने। तो ये आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए सेकंड नंबर चैप्टर के। करेक्ट इनकरेक्ट कल अपन खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर है सेकंड।